आदेश क्लियर हो जाएगा और ये आदेश है यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल, दूरभाष नंबर 7552583660, ईमेल dpi.atithi@gmail.com। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं क्रमांक अतिथि शिक्षक 2023-24-319 प्रति ये आदेश है, भोपाल दिनांक 8/12/2023 का ऑफिशियल अपडेट। और कई भाई बोल रहे थे कि सर आदेश कब आएगा, उपसंचालक MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल, अतिथि शिक्षक पोर्टल में सुविधा उपलब्ध कराने विषय, उपरोक्त विषय अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल पर विकास खंडवार अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान की स्थिति की जानकारी की सुविधा GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए। नंबर एक, BO लॉग ऑन में सुविधा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी के लॉग ऑन को अतिथि शिक्षक पोर्टल पर एक्टिव किया जाए, तदुपरांत संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों के माहवार लॉग किए गए मानदेय बिल को GFMS पोर्टल पर निम्न अनुसार प्रदर्शित कराया जाए, जिसमें चेक बॉक्स अंकित कर अतिथि शिक्षक के मानदेय का भुगतान होने की स्थिति S/9 की जानकारी प्रदर्शित कर अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, भुगतान क्रमांक माह, अतिथि शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम एवं डाइस कोड, अतिथि शिक्षक SS1, SS2, SS3, कुल कार्य दिवस, कुल अनुपस्थिति दिवस, मानदेय राशि, मानदेय के भुगतान की स्थिति S/9, संचनालय एडमिन लॉगऑन की सुविधा, BO लॉगऑन पर उपलब्ध कराई गई अतिथि शिक्षक मानदेय स्थिति की रिपोर्ट देखने की सुविधा को संचनालय के लॉगऑन पर विकास खंडवार, जिलेवार एवं संभागवार उपलब्ध कराई जाए, ड्रॉप डाउन में निम्न जानकारी प्रदर्शित हो, संभाग का नाम, जिले का नाम, विकास खंड का नाम, शैक्षणिक सत्र, माह और अतिथि शिक्षक SS1, SS2, SS3, मानदेय का भुगतान की स्थिति S/9, उक्त अनुसार ड्रॉप डाउन ऑप्शन का चयन करने के उपरांत निम्न अनुसार रिपोर्ट प्रदर्शित हो एवं एक्सेल में डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, अतिथि शिक्षक का नाम एवं मोबाइल नंबर, स्कूल का नाम एवं डाइस कोड, अतिथि शिक्षक SS1, SS2, SS3, कुल अनुपस्थित दिवस, मानदेय की राशि, मानदेय का भुगतान की स्थिति S/9, जिले के लॉगऑन पर सुविधा, BO लॉगऑन में उपलब्ध कराई गई अतिथि शिक्षक मानदेय की स्थिति की रिपोर्ट देखने की सुविधा जिले के लॉगऑन पर विकास खंडवार उपलब्ध कराई जाए, और संभाग के लॉगऑन पर सुविधा, BO लॉगऑन पर उपलब्ध कराई गई अतिथि शिक्षक मानदेय की स्थिति रिपोर्ट देखने की सुविधा को संभाग के लॉगऑन पर जिलेवार उपलब्ध कराई जाए, उपरोक्त अनुसार GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। DS कुशवा संचालक लोक शिक्षण, श्री अंकुर दीक्षा टेक लीड MPSEDC IT भवन अरेरा हिल्स भोपाल। तो यहाँ पर अब जो अतिथि शिक्षकों का बढ़ा हुआ मानदेय है वो पोर्टल पर अभी, जैसा कि अक्टूबर का कई भाइयों को मिल चुका है, पोर्टल पर अपडेट नहीं हो रहा है, और अब 3 जगह अपडेट होगा पोर्टल पर, जैसा कि संकुल स्तर पर, विकास खंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर। जैसे दोस्तों BO ऑफिस, जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, और फिर संभाग स्तर पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 जगह इसकी डिटेल भरी जाएगी, तब अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। बाकी भाइयों, आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि पोर्टल भी खुलने ही वाला है, जिनकी फीडिंग नहीं हुई है जल्दी ही होगी मित्रों। बाकी आप सभी बताइए कैसे हैं, और हालांकि ये ऑप्शन अभी पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि पहले भी जानकारी आई थी पोर्टल के संबंध में, लेकिन सॉफ्टवेयर या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाई थी। लेकिन अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीनों कॉलम दिए जाएंगे GFMS पोर्टल पर, और डिटेल भरने के बाद आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जिले की लॉगऑन सुविधा उपलब्ध होगी और संभाग स्तर पर लॉगऑन की सुविधा उपलब्ध होगी। बाकी मैं आपके लिए एक फेस स्कैन वीडियो बना रहा हूं, जिसमें विस्तार से बताऊंगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।